أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد once again everyone السلام عليكم ورحمة الله oh English Urdu this time sorry إن شاء الله تعالى آج میری کوشش ہوگی کہ میں سورة القصص میں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں سے پہلی دعا کا ذکر کروں جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ ان کی زندگی کے اس مرحلے سے متعلق ہے جب وہ ابھی نبی نہیں بنے تھے اور اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جب تور پر گئے ہیں شادی ہونے کے بعد گھرانے کے ساتھ کئی سال بعد صحرا میں جب انہیں اوپر آگ نظر آئی ہے انی وہ باقی غلام ہیں ان کی روز نہ روز پٹائی ہوتی ہے ان کے ساتھ ظلم ڈھائے جاتے ہیں ان سے کام لیا جاتا ہے دن دہاڑے اور ان کا دل کھولتا ہے کہ میں ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتا تو وہ کرتے کیا تھے ودخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلھا وہ دن کے دوران جب دن میں جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی نا تو ان سے غلامی کرانے والے مصری بھی ان سے کام نکالنے کے بجائے وہ خود آرام کرتے تھے جب وہ آرام کرتے تھے تو غلاموں کو بھی آرام کرنے کا میرے دشمن کے خلاف کو جوش چڑھ گیا کہ میرے مسلمان بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو وہ جوش میں آ گیا ہے انہوں نے دوسرے کو مکہ مارا فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ اسی وقت اس کا معاملہ ختم ہو گیا وہ مر گیا ایک ہی مکے سے اس کی موت تاری ہو گئی اب جب وہ مرا تو آگے جو ہوا اس میں یہ دعا آنے والی ہے
अभी अभी सड़क पे और कोई नहीं है, सड़कें खाली हैं, सिर्फ 3 लोग थे, उनमें से एक अब मर चुका है, एक जो है जो मदद मांग रहा था इनका मुसलमान भाई, दूसरा فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان, जिससे अगर कोई खराब चीज को बुरा काम होते देखे तो अपने हाथ से रोके, नहीं रोक सकता तो जबान से कम उसके खिलाफ कहे, जबान नहीं कर सकता कम से कम दिल में तो उसके कराहत हो कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल में नफरत होनी चाहिए उसको. और वो ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है, जो उन्होंने हाथ से रोकने की कोशिश की तो अच्छा काम किया ना, इसमें क्या बुराई हुई? इसको हादा मिन अमल शैतान क्यों कहा गया? इन्होंने इसको हादा मिन अमल शैतान इसलिए कहा कि कभी आप देखिए ये इनकी गुलामी, बनू इसराइल की गुलामी सालों से चल रही है, उनकी पैदाइश से बहुत पहले से ये मामला, कई नस्लें हो चुकी हैं गुलामी में, और इस तरह की ज्यादतियाँ फौजियों के हाथ गुलामों के साथ ज्यादतियाँ रोजाना होती हैं, हजारों दफा होती हैं. और उन्हीं में से एक केस ये भी है कि अब इस गुलाम के साथ ज्यादती हो रही है, इस बेचारे बनी इसराइल ने मेरे भाई के साथ ज्यादती हो रही है, और ये काफिर कौम इस पर मुसल्लत होकर इस पर इस तरह इसकी पिटाई कर रहा है. लेकिन एक बात समझने की है कि अगर आपने एक ही चीज़ बार बार देखी हो ना, 100 दफ़ा भी, 200 दफ़ा भी, 1000 दफ़ा भी, हर केस अलग होता है. आप ये नहीं कह सकते ये हमेशा यही करते हैं, अभी भी यही कर रहे होंगे, अब मुझे देखते सौ देखते साथ ही पता चल गया कौन जालिम है कौन मजलूम है, ऐसा नहीं होता. आपको पूरी तहकीक करनी पड़ती है कि कौन झगड़ा किस बात पर है, कौन गलत है कौन सही है. कोई अमल लेने से पहले, किसी को सजा देने से पहले, किसी को रोकने से पहले, पहले तो आप ये तो समझें बात क्या हो रही है, मसला क्या हो रहा है. अगर आप अपनी तरफ से गुमान करें कि पिछले तजुर्बे के एतबार से ये भी वही हो रहा होगा जो पहले होता रहा है, तो ये आपकी तरफ से ज्यादती है. जी इट कीप्स फ्रीजिंग, या इट टेल्स मी इट कीप्स फ्रीजिंग बट इट्स बेटर नाउ, आई थिंक इट्स बेटर नाउ. ओके होल्ड ऑन. Okay, it's fine. यह है अमल शैतान, हादा मिन अमल शैतान. असल करने का काम क्या होता है? असल करने का काम होता है कि पहले आप समझें मामला है क्या, बात क्या निकली कि जिसकी पिटाई हो रही थी वो असल में वो चोर था, वो मुजरिम था, उसकी बरहक धुलाई हो रही थी. अब उन्होंने जब कहा हादा मिन अमल शैतान इन्नहु अदुव मुदिल्लु मुबीन, उससे बात पहली क्या निकली कि पहले तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि शैतान कभी बुरे काम को अच्छा दिखाने की में कामयाब हो जाता है. मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, अपने मुसलमान भाई की मदद कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत काम किया है? लेकिन उनको अपने आप को जस्टिफाई करने के बजाय फौरन इस बात का एहसास हुआ ऐसे काम शैतान ही करवाता है, जल्दी जल्दबाजी और जल्दबाजी में अमल. शैतान रजीम, उससे मुझे बड़ी नफरत है. मालूम ऐसे होता है कि आपने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय शैतान पर डाल दी बात, इसीलिए फौरन अगली बात उन्होंने क्या किया, काला रब्बी इन्नी गलम तू नफसी, मेरे रब इसमें कोई शक नहीं, मैंने खुद
अपने आप पर अपने नफ्स पर जुल्म किया है, ये ज्यादती मेरी अपनी है, मैं खुद उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। यानी शैतान के वजूद का भी एतराफ़ है, शैतान के वसवसे का भी एतराफ़ है, या शैतान के की तरह के अमल यानी जल्दबाजी करना उसका भी एतराफ़ है। अल्लाह ताला ने माफ़ किया कि नहीं किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़गफ़रा लहू। फा इस फा को अरबी में कहते हैं अल्फा असबबिया, उन्होंने माफ़ी मांगी मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, इस वजह से उसको उनको अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, फ़गफ़रा लहू, इस वजह से। यानी अगर इंसान दिल से मगफ़रत मांगता है तो उसके दिल में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए शक की कि मेरी मेरा गुनाह माफ़ हो गया। बार बार ये पूछना पता नहीं माफ़ हुआ कि नहीं, इस्तिग़फ़ार तो मैंने रो रो के मांगी थी, दुआ तो मांगी थी। कभी आता है इन्नहू हुवल गफूर रहीम, इन्नहू काना गफूर रहीम, इन्नहू के अल्फाज बेशक के लिए आते हैं। जिन आयात में इन्नहू का जिक्र है वहाँ इस बात की जमानत दी जा रही है यहाँ तो मगफिरत होगी ही होगी, जहाँ इन्ना का जिक्र नहीं है वहाँ है हो सकता है, हो सकता है ना हो। यहाँ है इन्नहू हुवल गफूर रहीम, यानी इस बात की जमानत दी जा रही है, बिल्कुल तौकीद से कहा जा रहा है, ताकीद से कहा जा रहा है, तहकीक से कहा जा रहा है। बंदे ही माफ़ कर सकते हो तो हम तो गए काम से, क्योंकि हम जिसके साथ आपने कभी कोई गलती की हो, कोई ज्यादती कभी आपसे हुई हो, माफ़ करने को तो कोई तैयार नहीं होता। वो तो कहते मैंने हिसाब लेना है, मैंने जितने कर लो तुम जितने जितने सवाब कमा सकते हो कमा लो, सारे मैंने ले लेने, और करो जाओ करो, अभी
क़यामत का दिन तो आने दो, मैं सब ले लूँगा या मैं सब ले लूँगी, यही हिसाब होता है ना। देखिए आपने अपनी तरफ से गलती का इतराफ़ किसी के नेमत पे को तूने मुझ पर नवाजा है उसकी बुनियाद पर मैं कभी किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा। कौन सी नेमत? अभी कहाँ नेमत? अभी तो को मरा पड़ा आपके सामने, अब तो वो आपके पीछे आएंगे, आपको कत्ल करने आएंगे, तो यहां कौन सी नेमत का जिक्र है? नेमत क्या है कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले तो इस्तिग़फ़ार करने की सलाहियत दी, अपनी गलती मानने की सलाहियत दी। होता क्या है जब इंसान गलती करता है तो फौरन कहता है नहीं मेरी गलती थोड़ी थी, मैं और क्या करता, ऐसे होता देखता रहता क्या, खड़ा मैं देखता रहता? अपने आप को वो जस्टिफाई करता है, भले इंसान हो अला नफसी ही बस मैंने जो किया वो शैतान चाहता था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने ऊपर जुल्म ढाया, मैंने गलती की, ये बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। दूसरी नेमत क्या है कि मैंने माफ़ी मांगी, एक तो एतराफ़ किया, देखें एतराफ़ नहीं होगा तो माफ़ी नहीं मांगोगे, ये दोनों चीज़ें एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें हैं, एतराफ़ करना और माफ़ी मांगना। होता क्या है कि लोग फ़ौरन माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगना ये मस्नूई हो जाता है, इस शक्ल से माफी होती है, असली माफी नहीं होती, क्योंकि दिल से क्या नहीं हुआ पहले।
हमने अपने साथ गलती की, अपने ऊपर जुल्म ढाया। इन्होंने भी यही कहा, हमने मैंने अपने साथ गलती की। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि उनको पता है जन्नत से उतारे गए थे आदम अलैहिस्सलाम, और उतारे जाने के बाद सबसे बड़ा तोहफा क्या था, फतलक्का आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन। ये अल्फाज इंसान को पता हो कि मैंने गलती की है तो क्या अल्फाज इस्तेमाल करने, ये भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। हमें तो पता भी नहीं था कहें क्या, माफ़ी मांगे भी तो किन अल्फाज से मांगें, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। फिर तीसरा तोहफा क्या है अल्लाह ताला का, तीसरा इनाम क्या है, तीन इनाम है यहाँ पर, पहला एतराफ़, दूसरा इस्तिग़फ़ार के अल्फाज, तीसरा कि अल्लाह ताला ने वो इस्तिग़फ़ार कबूल कर ली, फ़ग़फ़रा लहू। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, नबी तो वो थे नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, अगर नबी नहीं थे, देखें आम मुसलमान खुदा से बात करता है, खुदा उनसे बात नहीं करता। नबी क्या क्या होता है, नबी खुदा से बात करता है और खुदा उनसे भी बात करता है, मुकालमा होता है दोनों का आपस में। अभी नबी नहीं है, खुदा से तो वो बात कर रहे हैं लेकिन खुदा उनसे बात नहीं कर रहा, वो तो पहाड़ पे जाकर होगा, वो तो तूर पे जाके होगा। खुदा उनसे बात किए बगैर इस नौजवान को इस बात का इल्म है कि मेरे रब ने मुझे माफ़ कर दिया, ये वही के ज़रिए नहीं है, वही के ज़रिए नहीं है, ये ईमान का हिस्सा है। ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए कि अगर मैंने वाकई अपने जुर्म का एतराफ़ किया और उसकी माफ़ी मांगी, तो तीसरा इनाम अल्लाह ताला की तरफ से जो आता है वो ये है कि ये माफ़ी कबूल हो गई, फ़ग़फ़रा लहू इन्नहु हुवल ग़फ़ूर रहीम। और अलग़फ़ूर रहीम के अल्फाज भी समझ लीजिए, अगर माफ़ी मांगने का जिक्र है तो सिर्फ गफ़ूर का जिक्र होना चाहिए, इन्नहु हुवल ग़फ़ूर, वो माफ़ी कबूल करने वाला है, मग़फ़रत कबूल, मग़फ़रत मांगी, मग़फ़रत कबूल की, रहीम का जिक्र कहाँ से आ गया, रहमत तो उन्होंने मांगी नहीं थी, मग़फ़रत मांगी थी ना, मग़फ़रत عربی میں رحم کا تعلق سزا سے بچنے سے نہیں ہے، عربی میں رحم کا تعلق ہے کسی کا خیال کرنے سے، کسی سے محبت کرنے سے، کسی کو پوری طرح ہر طرح سے اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے سے جس کو اس نے مانگا بھی نہ ہو۔ بچہ مانگتا ہے کیا؟ بچے کے پاس تو بھی زبان بھی نہیں ہے مانگنے کی، اس کو مانگے بغیر تمام طرح سے پوری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں اور اسے محبت بھی، اور الٹا یہ دیکھیے ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بچہ جتنا بڑھتا ہے ماں کو اور تکلیف دیتا ہے۔
इसके बाद मैं कभी किसी मुजरिम की मुजरिम की बैकअप नहीं करूंगा, मुजरिम की मदद नहीं करूंगा। वही कहते हैं किसी की पीठ के पीछे होना, उसको सपोर्ट करना। अब मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगा, यानी अब मैं जल्दबाजी कभी नहीं करूंगा, अब मैं फौरन फैसला कभी नहीं करूंगा, अपने अपने ऊपर मैं काबू रखूंगा। अब इतराफ किया था कि ये शैतान से था,